Hi everyone, welcome to Neat Roots. This video is for both app developers and those who are currently learning app development. क्योंकि in future उन्हें भी job ढूंढने या freelancing के लिए portfolio की जरूरत तो पड़ेगी ही. जैसे आधार कार्ड से आपके Indian citizenship का पता चलता है, वैसे ही portfolio से आपके app developer होने का पता चलता है. और interview में चाहे आप कुछ भी बोल दो, लेकिन HR या client आपका portfolio देख के decide करता है कि इसे काम आता है या नहीं. That's why I'm gonna suggest you 5 projects for your portfolio, but not only the projects. Firstly, I'll tell you what kind of projects you should select and which projects should be avoided. सबसे पहले बात कर लेते हैं किस तरह के प्रोजेक्ट्स रिज्यूमे में ऐड नहीं करने चाहिए. पहले आता है कैलकुलेटर ऐप. ये एक ऐसा ऐप है जिसे स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट हर डेवलपर बनाता है, लेकिन इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना ये कोई बेटर अप्रोच नहीं है. उसके अलावा कुछ लोग कन्वर्टर टाइप ऐप्स बना लेते हैं, लाइक यूनिट कन्वर्टर और क्रिप्टोकरेंसीज कन्वर्टर. नो डाउट ऐसी ऐप्स लर्निंग फेज में कंसेप्ट्स को सॉलिड बनाने के लिए बहुत ही काम आती हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐसे प्रोजेक्ट्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लो. उसके बाद आती है नोट्स ऐप, टू डू लिस्ट ऐप्स या फिर टिक टैक टो जैसी बेसिक गेम्स. ऐसी ऐप्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से अवॉइड करो. एंड एक और भी काफी यूजफुल ऐप है जिसे एक टाइम पे मैंने खुद अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था. मैं बात कर रहा हूँ वेदर ऐप की. बट रिसेंटली आई वॉज चेकिंग रिज्यूमेज ऑफ ऑलमोस्ट 25 इंटरमीडिएट ऐप डेवलपर्स एंड आई एम नॉट श्योर, बट देर वर अराउंड 15 पीपल हु एडिट वेदर ऐप इन देयर रिज्यूमे विद ऑलमोस्ट सेम UI डिजाइन. मतलब ठीक है यार, माना एक प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है आप सबके सब उसी प्रोजेक्ट को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लो. कम ऑन यार, जब आप एक कोर्स ले रहे हो या YouTube वीडियो देख के एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो इतनी कॉमन सेंस तो आप में होनी चाहिए कि 1 मिलियन लोगों ने वो वीडियो देखी है, जिसमें से अगर 1 लाख लोगों ने भी वो पूरी वीडियो देख के प्रोजेक्ट कम्प्लीट किया हो और उसमें से मान लो 10,000 लोगों ने उस प्रोजेक्ट को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया हो. ये मैं एक बहुत छोटा सा नंबर बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1% लोगों की बात कर रहा हूँ, कि उनमें से सिर्फ 1% लोगों ने इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया, तो ये प्रोजेक्ट फिर भी यूनिक कैसे रहा और ऐसे प्रोजेक्ट के साथ आपको कौन सिलेक्ट करेगा. ये सारे प्रोजेक्ट्स ठीक हैं, मैं इनको बुरा नहीं कह रहा. इसके अलावा और भी ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं. जब आप लर्निंग फेज में हो तो चाहे जहां से मर्जी देखो, चाहे ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बनाओ, क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग बनाते हैं. लेकिन फिर भी यार उधर से बिल्कुल कॉपी पेस्ट ना करो. ट्राई करके उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करो, UI चेंज करो और प्रोजेक्ट में अपने विचार डालो. एंड प्लीज ऐसे ही हर प्रोजेक्ट को अपने पोर्टफोलियो में ऐड ना करो, इससे बुरा इंप्रेशन पड़ेगा और आप HR को भी क्रोध दिला दोगे. अब बात करते हैं पोर्टफोलियो में किस टाइप के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए. इन माई ओपिनियन देयर मस्ट बी 3 types ऑफ प्रोजेक्ट्स इन समवनस पोर्टफोलियो. नंबर 1, देयर मस्ट बी अ यूनिक आइडिया दैट प्रोवाइड्स सॉल्यूशन टू अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. देन ट्राई टू ऐड अ क्लोन टाइप ऐप विच विल रिप्रेजेंट यूअर अंडरस्टैंडिंग इन बोथ UI/UX एंड लॉजिक. एंड लास्टली, एक पर्सनल या रियल लाइफ यूज केस जिसे आप, आपके फ्रेंड्स और आपके परिवार वाले यूज कर सकें. बिलीव मी, इफ यू फॉलो दिस, यूअर पोर्टफोलियो इज गोइंग टू बी वेरी इंप्रेसिव एंड यूअर चांसेज ऑफ गेटिंग हायर्ड विल बी डेफिनेटली इंक्रीज्ड. बिसाइड ऑल ऑफ दिस, एक और छोटी सी ट्रिक भी है. इफ यू आर टारगेटिंग अ स्पेसिफिक डोमेन लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन और फिनटेक, तो रिज्यूमे में उस डोमेन का प्रोजेक्ट ऐड करना काफी यूजफुल होगा. इन दिस वे यू विल बी क्रिएटिंग अ ग्रेट इम्पैक्ट एज यू वुड हैव बीन ऑलरेडी वर्क ऑन अ रेलिवेंट प्रोजेक्ट. जो भी पर्सन इंटरव्यू कर रहा होगा, अब देख लेना वो उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस करेगा. एंड वो प्रोजेक्ट तो आपने बनाया होगा, तो आप उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से कर पाओगे. इसके बाद एक और चीज बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करती है, जब आपकी ऐप को रियल यूजर्स यूज कर रहे हों. चाहे 20 लोग ही यूज कर रहे हों, लेकिन अगर उन्हें आपकी ऐप से फायदा मिल रहा है, देन यू हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड. ऐसी चीजें सिलेक्शन टाइम काफी मैटर करती हैं. और यार ट्राई करो, एटलीस्ट 1 app आप प्ले स्टोर पे पब्लिश जरूर करो. आपकी ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स और छोटी सी इन्वेस्टमेंट ये शो करेगी कि आप एक प्रोफेशनल ऐप डेवलपर हो एंड आपकी रिज्यूमे में पब्लिश्ड ऑन प्ले स्टोर टैग भी ऐड हो जाएगा. तो चलो फिर अब पोर्टफोलियो के लिए मैं आपको अपनी पसंद के 5 best प्रोजेक्ट्स रिकमेंड करता हूँ. सबसे पहले आप बना सकते हो एक रेसिपी ऐप विद वॉइस सपोर्ट. सोचो आप कुकिंग कर रहे हो और आपके हाथ गंदे हैं. नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए आप पहले अपने हाथ धोओगे और फिर उन्हें सुखा के स्क्रीन पे टच करके नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे. लेकिन अगर वहीं वॉइस सपोर्ट अवेलेबल हो तो आप जस्ट बोलोगे नेक्स्ट स्टेप
और वो आपको नेक्स्ट पेज पे ले आएगा। ऐसी ऐप बनाने के लिए आप कोल्डलिन, जेटपैक कंपोज, फायरबेस, टेक्स्ट टू स्पीच और ML किट यूज कर सकते हो। इससे आप ML का रियल लाइफ यूज केस और वॉइस फीचर इंटीग्रेशन समझ पाओगे। इसके अलावा आप एक मेडिसिन एंड अपॉइंटमेंट रिमाइंडर ऐप बना सकते हो। हर घर में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो मेडिसिन या अपॉइंटमेंट का भूल जाता है, तो ये एक ऐसी ऐप होगी जिसमें यूजर नोटिफिकेशन, रिमाइंडर्स एंड स्केड्यूल ट्रैक कर सकेगा। इसके लिए आप वर्क मैनेजर या अलार्म मैनेजर यूज करोगे एंड साथ में आपको कोल्डलिन, रूम डेटाबेस एंड नोटिफिकेशंस के साथ भी काम करना आना चाहिए। जब आपका ये प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा तो इसे आप किसी ऐसे क्लाइंट के लिए भी यूज कर सकते हो जिसे हेल्थ केयर रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनवाना हो, और अगर आपके परिवार में या आपके फ्रेंड के परिवार में कोई इसे यूज करे तो समझो आपने दया का काम किया और आपका प्रोडक्ट किसी को फायदा भी दे रहा है। नंबर 3 कुड बी अ क्लोन टाइप ऐप। यू कैन क्रिएट अ व्हाट्सएप क्लोन। इसमें फायरबेस का फुल इंटीग्रेशन होगा, लॉगिन, चैट, मीडिया शेयरिंग सब कुछ, और इसे बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो जेटपैक कंपोज, फायरबेस ओथ एंड स्टोरेज। इस प्रोजेक्ट में आप रियल टाइम अपडेट्स एंड डेटाबेस जैसे कंसेप्ट शो करोगे, और जब आप इंटरव्यू टाइम बोलोगे आई हैव बिल्ट अ कंप्लीट फंक्शनल चैट ऐप, तो HR तो इंप्रेस हो ही जाएगा। बाय द वे, अगर आप एक कंप्लीट व्हाट्सएप क्लोन ऐप बनाना चाहते हो तो नीटूट्स पे आपको इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया है। और यार इसके अलावा हमने जो भी टेक्स्ट टैग देखे हैं लाइक जेटपैक कंपोज, कोल्डलिन, फ्लटर, फायरबेस, उस सब के लिए भी नीटूट्स पे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, और उन सभी ट्यूटोरियल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। एंड अगर आप ये सारे टॉपिक सीखना चाहते हैं तो बिलीव मी, वन ऑफ द मोस्ट सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल इन ऐप डेवलपमेंट, इस चैनल से बढ़िया आपको कहीं और सीखने को नहीं मिलेगा। मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद नंबर 4 पे आप बना सकते हो एक एक्सपेंस मैनेजर ऐप। आई नो बहुत से लोगों ने एक्सपेंस मैनेजर ऐप्स बना रखी हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा डिफरेंट वे में बना सकते हो। लाइक पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए अलग से ऑप्शन हो, फैमिली एक्सपेंसेस के लिए अलग से ऑप्शन हो, किसने कितना खर्च किया, किस पे किया, किसके कितने देने और कितने लेने, सब कुछ रिकॉर्ड रखो। और जो फ्रेंड्स हॉस्टल में रहते हैं उनमें हिसाब की बहुत दिक्कत होती है, तो इसके लिए आप एक शेयर्ड एक्सपेंसेस का ऑप्शन भी ऐड कर सकते हो। इस टाइप की ऐप बनाने के लिए कोटलिन, रूम डेटाबेस, डेटा स्टोर, पाई चार्ट या MP एंड्रॉइड चार्ट यूज कर सकते हो। ये ऐप आपकी फाइनेंस वाली कैटेगरी में आ जाएगी और इसे डेली लाइफ में भी यूज किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं लास्ट प्रोजेक्ट की। नंबर 5 पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक AI लर्निंग असिस्टेंट ऐप। रिसेंटली गूगल हैज लॉन्च एन AI पावर्ड ऐप गूगल नोटबुक LM टू हेल्प यूजर्स ऑर्गेनाइज, अंडरस्टैंड एंड जनरेट इंसाइट्स फ्रॉम द नोट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय देम। हम भी एक छोटी सी ChatGPT जैसी ऐप बना सकते हैं जिसमें यूजर अपने नोट्स ऐड करे और फिर जो भी क्वेश्चन करे AI उसी नोट्स में से ढूंढ के उसे आंसर दे दे। इसे थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए आप इसमें टेस्ट सिस्टम बना सकते हो, लाइक उसने जो भी नोट्स दिए AI उसे उन्हीं नोट में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे एंड उन्हें चेक करके रिजल्ट भी बता दे। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा OpenAI API का, और उसके साथ जेटपैक कंपोज और फायरबेस भी यूज होगा, प्लस आप डायगोनल फ्लो भी यूज कर सकते हो, बट ये ऑप्शनल है। एज यू नो आजकल हर तरफ AI की हाइप है, अगर हम अपने पोर्टफोलियो में भी थोड़ा AI का तड़का लगा देंगे तो होपफुली यू कैन सेंस द इम्पैक्ट यू विल बी क्रिएटिंग देयर। और जब कोई स्टूडेंट आपके ऐप से अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेगा देन यू विल बी प्रूविंग यूर सेल्फ एज अ सोल्यूशन प्रोवाइडर ऑफ समवन्स प्रॉब्लम। सो दीज वर 5 प्रोजेक्ट्स आई रिकमेंड यू एड टू यूर पोर्टफोलियो, बट हमेशा याद रखना प्रोजेक्ट मैटर करता है लेकिन उसका विजन, यूज केस और एग्जीक्यूशन और भी ज्यादा मैटर करती है। रिज्यूमे भरने के लिए प्रोजेक्ट्स ना बनाओ बल्कि इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए प्रोजेक्ट्स बनाओ एंड ट्राई टू एड सम क्रिएटिविटी, सम नॉलेज, पावर एंड पैशन टू एवरी प्रोजेक्ट। अब अगर आपको किसी आइडिया में कन्फ्यूजन है, टेक्स्ट टैग समझ नहीं आ रहा, यू कैन फ्रीली आस्क इन कमेंट्स। और हाँ, सभी यूजफुल ट्यूटोरियल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, आप उधर से जाके उनको चेक कर सकते हो। फर्दर इफ यू वांट मोर डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं फिर अब किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।